प्रेस वार्ता के माध्यम से सबसे पहले मैं हम भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रेस वार्ता में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का यह वर्ष पूरे भारतवर्ष में और पूरे भारत के बाहर भी, जहां भी हमारे भारत के लोग निवास करते हैं वहां सभी देशों में आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न पूरे उत्साह के साथ पूरे जश्न के रूप में मन रहा है। हम सारे लोग भी इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती के साथ, इस उत्सव को और ज़्यादा प्रमुखता के साथ घर घर तक लेके जाने का अभियान के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले लगातार 9 तारीख से ही अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अपने महापुरुषों के प्रति और अपने इस स्वाधीनता के 75वें साल के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उनको पुष्पांजलि, उनके प्रति अपना सादर आदर व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो झारखंड में ब्लॉक है, ब्लॉक से भी निचले स्तर जो हमारा मंडल है, 513 मंडल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा और आम जन मिल करके हम लोगों ने तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम संपन्न किया। अलग अलग महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई करके उनके स्थान को और ज़्यादा सजाने का काम किया। ऐसे युवाओं को जोड़ने का भी काम, युवाओं के पास जा करके उनको भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए उनको भी तैयार करके उनके भी घरों पर झंडा बंधे, वो भी जश्न में शरीक हों, ऐसा अभियान हम लोगों ने चलाया और अभी ये चल भी रहा है। कल का दिन, 14 अगस्त का दिन झारखंड के लिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए एक बड़ा ही गौरव का दिन है, एक खुशी का क्षण लेकर आ रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हो और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के धरती पे कोई बड़ा कार्यक्रम न हो ये संभव नहीं हो पा नहीं था। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उन्होंने झारखंड को चुना और उन्होंने कहा कि हम आदरणीय धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के धरती पर जाकर के इस आज़ादी के जश्न को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कल 12 बजे आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, जो बेंगलोर साउथ के सांसद भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा मोर्चा के, युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं, वो 12 बजे लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे। हम लोग एयरपोर्ट पे उनका स्वागत के साथ एक विशाल तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सारे लोग बिरसा चौक होते हुए भगवान बिरसा मुंडा जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, आदरांजलि अर्पित करते हुए इसी कार्निवाल के बैंक्वेट हॉल में एक बड़ा युवा सम्मेलन, युवा संवाद का कार्यक्रम भी करने वाले हैं। यह युवा संवाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें पूरे प्रदेश के अलग अलग मंडलों से हमारे युवा साथी आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न को में शरीक होने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं।